सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे चैप्टर का जो सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में आने वाला है। जेई एडवांस ओरिएंटेड चैप्टर है ये, और इससे एक से दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी को जब रिवाइज किया गया तो इस चैप्टर को हटा दिया गया है। इसका मतलब अब से आप जेई मेंस में इसके क्वेश्चन नहीं देखोगे। तो इसके क्वेश्चन मिलेंगे कहां पे? जेई एडवांस में। और जैसे ही जेई एडवांस की बात आती है, इसका मतलब एडवांस लेवल में कुछ पूछा जाने वाला है। तो डेफिनेटली ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं बता दूंगा आपको कि ये सब टॉपिक से जहां से आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आप पर्टिकुलरली उस सब टॉपिक को अगर पढ़ लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहली बात यही है कि इसको एनसीईआरटी से एक्सक्लूड कर दिया गया, बट कुछ कुछ स्टेट बोर्ड्स होते हैं जहां पे, जैसे तेलंगाना का जो स्टेट बोर्ड है उसमें अभी भी ये चैप्टर प्रेजेंट है। तो आप देख लेना कि आपके स्टेट बोर्ड में इस चैप्टर को हटा दिया गया है या नहीं। इसका दो नाम होता है, एक तो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है और दूसरा गैसियस स्टेट होता है। तो प्लीज चेक इट वेदर देयर इट इज इन सिलेबस और नॉट, बट मेंस में तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू कम, तो ये एडवांस में आएगा। दूसरी बात जो कि मैंने लिखी रखा है कि जे एडवांस के सिलेबस में ये मेंशन है, क्वेश्चन भी पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा। दूसरी बात, बोर्ड्स में नहीं है, मेंस में नहीं है। तीसरी बात, इसका दो पार्ट होता है बेसिकली, एक होता है आइडियल गैस वाला पार्ट, दूसरा होता है रियल गैस वाला पार्ट। जो आइडियल गैस वाला पार्ट है बेसिकली उसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, एंड दैट इज एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड पार्ट। और सेकेंड पार्ट जो है रियल गैस, दैट इज मोर और लॉजिकल पार्ट। बच्चे इसको ज्यादातर रट्टा मार के पहले भी चले जाते थे, और वही गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं जो बार 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 पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली दो पार्ट है, एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी है इसमें और कुछ लॉजिकल पार्ट भी है। चौथी बात, फॉर्मूला सीट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज अगर मैं आइडियल गैस वाले में बात करूं तो उसमें काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे ग्राहम्स लॉ में क्या होगा, बैरोमीटर के बारे में काफी सारे पढ़ना होता है, मैनोमीटर के बारे में पढ़ना होता है ना, इन सब के छोटे छोटे फॉर्मूला होता है। उसके बाद कई सारे स्पीड आपने पढ़ा होगा, जैसे एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो इन सब के कुछ कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर तुम सेकेंड पार्ट में भी जाते हो तो वहां पर भी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड जब आता है, तो काफी सारा डेटा बेस्ड है। जेड कब ग्राफ अप में जाएगा, कब जेड ग्रेटर देन वन होगा, कब जेड इक्वल टू वन होगा, कब जेड लेस देन वन होगा, फिर वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट में भी काफी सारे फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स देखो इसमें एज सच एनसीईआरटी में है नहीं, तो मैं ये भी नहीं बोलने वाला कि एनसीईआरटी से पढ़ लो। तो एडवांस लेवल में अगर आपको पढ़ना है तो आपके जो कोचिंग के मॉड्यूल हैं उसके एक्सरसाइज टू लगा लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर किसी और को ज्यादा इंटरेस्ट है तो यू कैन चेक आउट लाइक दिस इज माई नोट्स। तो ऐसे करके आपके टीचर ने भी नोट्स बनवाए होंगे, वो नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा मोर देन सफिशियंट होंगे। तो नोट्स भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और एक्सरसाइज टू जरूर कर लेना, बिकॉज ये एडवांस का टॉपिक है। तो बेसिक लेवल पे करने का कोई फायदा नहीं है, या तो आप चैप्टर छोड़ दो, और अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर चैप्टर को। वही मैंने बोला, या तो बेसिक लेवल पे करो ही मत बेसिकली, और अगर कर रहे हो तो फिर इस चैप्टर को मास्टरी करो, सो डैट कि अगर एडवांस में कोई क्वेश्चन आता है, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग सम टाइम, यू आर गिविंग सम टाइम, तो डेफिनेटली आना चाहिए। और अभी के पॉइंट ऑफ टाइम में जब 5 महीने के आसपास बचा है तो अभी आप कर सकते हो। बाद में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला कि इसको करो, बिकॉज जब मेंस में डेफिनेटली टाइम आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको छोड़ना पड़ेगा उस मोमेंट के लिए, बिकॉज अगर ये सिलेबस में अभी नहीं है तो डेफिनेटली वो उतना ज्यादा वेटेज नहीं रखता है, बिकॉज सबसे पहले हमें मेंस करना है। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। सबसे पहले गैस लॉ, बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ क्या है, सबके ग्राफ्स आपको पता होना चाहिए, बस इतना काफी है। डाल्टन्स लॉ में अगर बात करें तो बेसिक पता होना चाहिए कि डाल्टन्स लॉ बोलते किसको है, पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इफ्यूजन डिफ्यूजन में, इफ्यूजन किसको बोलते हैं, स्मॉल होल से जब जाता है, डिफ्यूजन क्या बोलते हैं, उसमें में ग्राहम्स लॉ एक आता है, तो इसका जो वेरिएशंस हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। केटीजी फिजिक्स में भी आएगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका केटीजी है, सारे पॉस्टुलेट्स आपके माइंड में होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने के टाइम पे मोर देन वन चॉइस में इसके क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड साइड में बात करूं तो जेड आपको पता होना चाहिए, ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, वंडरवॉल गैस इक्वेशन पता होना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे मोल्ड करते हैं, उसमें जो प्रेशर करेक्शन फैक्टर है, जो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रियल गैसेस। वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन नहीं भी पता हो तो मोटा मोटा उसके जो डेरिवेशन करके जो रिजल्ट निकलते हैं वो तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। देखो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, बिकॉज ये चैप्टर ओरिएंटेड ही एडवांस के लिए है। तो बोलते हैं ना, बातें कम और काम ज्यादा,
और ऐसा भी नहीं कि मेंस में मैं कुछ बता दूं, तो इस वीडियो को इतना पे ही रखते हैं। हाँ, दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैसे शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हो, तो ये जो साइड में फ्लैश हो रहा है बेसिकली ये हमारा मेंबरशिप और मेंटरशिप आप दोनों ले सकते हो, जो कि जेई 2025 और जेई 2026 दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, मेरे मेंटरशिप मतलब मैं वीकली आपसे मिल लिया करूँगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको 24/7 चैट सपोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली टाइम होता है, बट हाँ आई विल बी अवेलेबल, यू कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट एट एनी टाइम, तो इसे भी चेकआउट कर ले लो बिकॉज टाइम काफ़ी कम है और जेई की जो तैयारी वो काफ़ी ज़्यादा दिशा में अगर होगी तभी जा करके आपका निशाना सही जगह लगेगा, बिकॉज डेफिनेटली यू डोंट नीड टू, अदरवाइज क्या होता है जैसे घोड़े होते हैं तो घोड़े पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, तभी जा करके वो अपना गोल पर्पस ढूंढ पाता है। तो ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में ड्रॉप करें कि नेक्स्ट वीडियो कौन किस चैप्टर पे चाहिए या आपके कोचिंग में कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये जरूर मुझे बता देना कमेंट में। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।